आफ्टरनून स्टूडेंट, कल मैंने आपको निषेचन के आगे की प्रक्रिया चित्र में समझाई थी, आज थोड़ा हम इसको लिखित में समझेंगे। देखिए, निषेचन तभी होता है जब ओवम व स्पर्म एक साथ एम्पुलराइजेशन में आते हैं। पहली बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओवम और स्पर्म दोनों का जो है फैलोपियन ट्यूब में होना आवश्यक है। ओवम को ओटिड भी हम कह देते हैं। ओवम यानी सेकेंडरी ओसाइट में निषेचन के बाद जो हमें एग प्राप्त होता है उसको ओवम या ओटिड भी कह देते हैं। संयन के बाद ह्यूमनस में या तो एक्सएक्स लिंग गुणसूत्र होता है या एक्सवाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। यह लिंग निर्धारण शुक्राणु से होता है, शुक्राणु एक्स गुणसूत्र ले गया या वाई गुणसूत्र, ठीक है। तो बॉय होगा या गर्ल होगा ये डिपेंड होता है स्पर्म की सेक्स क्रोमोसोम पे। नेक्स्ट, निषेचन के बाद अब क्या होगा, जायगोट बन चुका है। आगे की जो क्रिया होती है मैंने कल आपको बताया था, विदलन। विदलन में जो है मोरूला अवस्था बनती है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। विदलन से मोरूला बनता है और मोरूला के अंदर 16 सेल्स होती हैं। इन प्रत्येक सेल को कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर या कोरक खंड हम कहते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। और इस समय तक जोना पेलिसिडा नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे युग्मनज अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर जाता है इसमें समसूत्री विभाजन शुरू होता है, ठीक है। तो जायगोट में समसूत्री विभाजन होगा, पहली बात। दूसरा मैंने क्या बोला कि मोरूला बनेगा, मोरूला में 16 कोरक खंड होते हैं, 16 सेल्स होती हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। यानी 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनेंगे। लेकिन इसको यहाँ पे एक विशेष टर्म हमने दिया, विदलन। विदलन क्यों बोला जाता है? विदलन मैंने आपको कल भी डायग्राम में समझाया था कि जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट था उसके बाहर जोना पेलिसिडा था, ठीक है। तो निषेचन के बाद, निषेचन में आपको याद है जोना पेलिसिडा हार्ड हो जाता है पॉलीएम्ब्रियो को रोकने के लिए। वो हार्ड होने से क्या होगा कि जो ओसाइट है उसके अंदर सेल का डिवीजन तो हो रहा है, ठीक है। सपोज ये आपका सेल है, ये जोना पेलिसिडा एक हार्ड कवरिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये सेल है, सेल में डिवीजन हुआ 1, 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो ये सेल इसी के अंदर है ना, इसका साइज नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर हार्ड कवरिंग है, ठीक है। इसीलिए इसको विदलन बोला जाता है। विदलन समसूत्री विभाजन, विदलन में समसूत्री विभाजन हो रहा है लेकिन विदलन में साइज नहीं बढ़ रहा है। कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन साइज नहीं बढ़ रहा है। मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगी कि विदलन समसूत्री विभाजन से कैसे अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या, अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि समसूत्री विभाजन की तरह विभाजन होगा लेकिन इस जो युग्मनज है, जो जायगोट है, जो भ्रूण बना रहा है, इसका साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी ओसाइट था जिसमें निषेचन हुआ, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया था इसमें जो निषेचन हुआ उसके अंदर इसी के अंदर डिवीजन होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनेंगे। सेम जैसे एक हमारे पास एप्पल है, आप एप्पल को आप काटिए तो उसके पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस बढ़ गए हैं लेकिन साइज नहीं बढ़ा। सेम वे विदलन भी होता है। तो विदलन में युग्मनज का आकार नहीं बढ़ता, केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला भ्रूण मोरूला कहलाता है। देखिए, इसकी जो सेल होती हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ब्लास्टोमियर या कोरक खंड, ठीक है। उन्हें हम जो डॉटर सेल्स होती हैं, पुत्री कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। याद रखना है आपको, बन रहा है मोरूला और कोशिका का नाम है ब्लास्टोमियर, बन रहा है मोरूला, ठीक है। और नाम क्या है, सेल का नाम क्या है जो उसके अंदर सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ब्लास्टोमियर। कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, विदलन के बारे में। देखिए, निषेचन के 24 घंटे बाद ह्यूमरस में पहला विदलन होता है। 34 आवर्स के बाद जो है उसमें पहला क्लीवेज होता है, यानी फर्स्ट डिवीजन। 1 से 2 सेल का बनी निषेचन के 34 घंटे बाद 2 सेल बन जाती है जिन्हें कोरक खंड कहते हैं। अगला विभाजन निषेचन के 40 घंटे बाद होता है, यानी 2 से 4। और तीसरा विभाजन निषेचन के 3 घंटे बाद होता है, ठीक है। निषेचन के चौथ मतलब निषेचन के 4 दिन के पश्चात
भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है, सॉरी यहाँ पे यह दिन होगा, ठीक है, घंटे नहीं दिन, बाई मिस्टेक हो गया। तो तीसरा विभाजन निषेचन के 3 दिन बाद होता है, निषेचन के 3रे दिन के बाद हमारा तीसरा विभाजन होगा, यानी फर्स्ट विभाजन में 2 सेल, सेकंड विभाजन में 4 और तीसरे में 8 सेल बन गई, उसके फिर 16। तो निषेचन के 4थे दिन के बाद भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है, ठीक है। 4थ डेज के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, गर्भाशय में पहुंच जाता है। अभी तक ये कहाँ था, फैलोपियन ट्यूब में था। मैंने ये आपको कल डायग्राम में बताया है, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 दिन के बाद गर्भाशय में पहुंच जाता है। मोरूला कोशिकाओं का एक ठोस समूह है, मोरूला यानी शहतूत की तरह दिखाई देता है, तो ये कोशिकाओं का एक ठोस समूह है, ठोस बॉल की तरह ये है, जिसके अंदर 8 से 16 कोरक खंड होते हैं। स्तनधारियों के जायगोट में होलोब्लास्टिक विलयन होता है। होलोब्लास्टिक विलयन यानी जब पूर्ण व्यास में हो रहा है, यानी पूरी की पूरी सेल का पूरा विभाजन हो रहा है, ठीक है। सेल का पूरा विभाजन मतलब ये सेल है तो ये टॉप से बॉटम तक पूरा एक पूरे व्यास में पूरा विभाजन है, ऐसा नहीं है कि ये हुआ और आधा विभाजन, नहीं, ये होलोब्लास्टिक विभाजन होता है और ये पूछा जाता है। होप कि आपको विलयन समझ आया होगा। विलयन यानी जोना पेलुसिडा के अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट था उसमें निषेचन हुआ, तो वो जो है ओवम में बदला पहले, फिर जायगोट बना, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा अभी रहेगी, जोना पेलुसिडा अभी रहेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेयर। अब जोना पेलुसिडा का क्या काम होता है मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले हम आगे बढ़ते हैं कि 4 दिन के बाद जो आपका एम्ब्रियो था मोरूला जिसको हम कहेंगे, जिसके अंदर 16 कोरक खंड है, कहाँ पहुँच गया, यूट्रस में पहुँच गया, ठीक है। अभी ये यूट्रस के स्टार्टिंग में होता है ऊपर, और ये अभी चिपकता नहीं है वहाँ पे, थोड़ा ऐसे हल्का सा वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो मोरूला में विभाजन होता है, ब्लास्टो सिस्ट में बदल जाता है। अभी किस में बदल जाता है, ब्लास्टो सिस्ट में। नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टुला भी इसको कह देते हैं, सिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में। अब जो इसके अंदर कोरक खंड थे, जो सेल्स थी मोरूला के अंदर, तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट में बदल गया, ठीक है। तो इसमें जो सेल्स थी, कोरक खंड का मतलब जो इसमें सेल्स है, मैंने आपको पहले बताया है, जिनको हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं, कंफ्यूज मत होइए, ब्लास्टोमेयर यानी कोरक खंड एक कोशिकाओं का नाम है, कोशिका का नाम है। अब ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण की एक अवस्था है, ठीक है। तो ये जो उसमें सेल्स थी, इनको जो ब्लास्टोमेयर मैंने कहा था, ये जो सेल्स होती हैं ये एक विशेष प्रकार से अरेंज हो जाती हैं। कैसे अरेंज होती है, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए आप, ये जो बाहर की लेयर होती है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर की लेयर को हम इनर सेल मास कह देते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोमेयर हमारे मोरूला में थी, और ब्लास्टोसिस्ट में उपस्थित कोरक खंड एक विशेष प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, कुछ कोशिकाएं बाहरी परत बनाती हैं, इन्हें ट्रोफोब्लास्ट हम कहते हैं। जो बाहरी परत बना रही हैं, यानी जो ओवम के वॉल पे, जो सॉरी अब वो ओवम नहीं है हम उसको कहेंगे, जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसकी बाहरी दीवार पे चिपक जाती है, उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं, एक जगह पे क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ जाती है, इन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं। जो अंदर कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है उसे हम इनर सेल मास कहते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है कि ट्रोफोब्लास्ट परत जो होती है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ती है, ठीक है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट परत होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये गर्भाशय की वॉल से चिपकती है। और इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास होता है ये भ्रूण बनाता है, ठीक है। तो भ्रूण के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने के पश्चात गर्भाशय की दीवार की कोशिकाएं विभाजित होती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को घेर लेती हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये पहले अटैच हुआ और धीरे धीरे ये वॉल है, एंडोमेट्रियम है, इसने इसको घेर लिया, कवर कर लिया है। उसके बाद ये धीरे धीरे मध्य गर्भाशय की मध्य भित्ति मायोमेट्रियम में धंस जाता है। तो ये जो धस जाता है इसे ही हम भ्रूण का अंतरोपण कहते हैं, और इसे गर्भावस्था शुरू हो जाती है, प्रेगनेंसी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो ये 16 4 सेल वाला जब ये ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है तो इसमें 64 कोरक खंड होते हैं, तो इसमें एक कैविटी इसमें बन जाती है। जो ब्लास्टोसिस्ट बना था जिसमें मैंने आपको बोला था
ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है जिसमें एक कोरक खंडों की कुछ कोशिकाएं जो है परिधि पे इकट्ठा हो गई जिसने ट्रोफोब्लास्ट बनाया और कुछ कोशिकाएं यहाँ पे इकट्ठी हो गई, इन्होंने इनर सेल मास बनाया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं खाली जगह बन गई, इसको कैविटी कहते हैं। इसमें द्रव भरता है, गर्भाशय से आता है और द्रव इसमें भरता है, मैं आपको आगे पढ़ूंगी। तो इसको ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी है, गुहा है, इसको ब्लास्टोसील भी हम कह देते हैं, ठीक है। और इसी अवस्था को, इसीलिए हम इसको ब्लास्टोसिस्ट भी हम क्या है देते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि एक ब्लास्टो गुहा भी होती है, सील भी होती है, ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास यहाँ पे होता है। भ्रूण का अंतरूपण निषेचन के 7 दिन बाद होता है। याद रखिए कि निषेचन के 1 हफ्ते बाद ये कंडीशन आ जाती है जब भ्रूण गर्भाशय में धस जाता है, ठीक है। और इस समय जोना पैलिसिडा जो मोरुलावस्था में बनी थी, मैंने आगे भी आपको बताया था, वो ब्लास्टुलावस्था में नष्ट हो जाती है। देखिए जो जोना पैलिसिडा होती है वो भ्रूण को, आपको पता है कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका मोरुला होता है वो ट्यूब तक होता है, फैलोपियन ट्यूब तक। तो ये जोना पैलिसिडा उसको ट्यूब पर चिपकने से रोकता है। अगर ट्यूब में ही भ्रूण चिपक जाए तो ट्यूब तो फट जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस भ्रूण को कहाँ चिपकना है, गर्भाशय में चिपकना है। तो जोना पैलिसिडा का काम क्या होता है कि वो भ्रूण को वहाँ नहीं चिपकने देती है। लेकिन जैसे ही हमारा भ्रूण गर्भाशय में पहुँचता है, जोना पैलिसिडा को नष्ट होना पड़ता है। क्यों नष्ट होना पड़ता है? क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट एक चिपकने वाली लेयर है, ठीक है। तो जैसे ही जोना पैलिसिडा नष्ट होगा, भ्रूण की ये ट्रोफोब्लास्ट जो है गर्भाशय से चिपकनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके बाहर जोना पैलिसिडा होगा तो ये नहीं चिपक पाएंगी। तो इसीलिए मोरुलावस्था तक आपको याद रखना है। कल मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया था कि जैसे जैसे मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आती है, जोना पैलिसिडा नष्ट हो जाती है। जोना पैलिसिडा भ्रूण को फैलोपियन नलिका में चिपकने से रोकती है, किंतु जब यह ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है तो यह गर्भाशय में पहुंच जाती है और यह नष्ट हो जाती है ताकि ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय से चिपक सके। तो आज मैंने आपको ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण तक पढ़ाया, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण और गर्भधारण क्या होता है इसके बारे में बताया, ठीक है। कल मैं आपको उससे आगे बताऊंगी। थैंक यू।